नमस्कार, कोसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव सरगर्मी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, वहीं कोरोना काल को लेकर के लोग परेशान हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार किसको वोट देना है और किसको कुर्सी पर बैठाना है। नेताजी वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन सरजमी पर क्या दिखता है ये तो साफ बात है। मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा के निरंजन मेहता जी का गाड़ी जब खुद कीचड़ में फंस जाता है तो ट्रैक्टर से निकलवाना पड़ता है। यह किया हुआ विकास का वादा है। जदयू के करतावर नेता निरंजन मेहता जी नीतीश कुमार के काफी करीबी आदमी हैं। नीतीश कुमार इनके घर पर भी आते जाते रहते हैं और पिछले बार विधानसभा के चुनाव में वह वादा किए थे कि ये रास्ता मैं बना कर रहूंगा, बस एक बार हमें विधानसभा पहुंचा दीजिए। तो जनता होते हैं, वह जोर शोर से चुनाव का प्रचार किया और जोर से बटन दबा करके सीधे निरंजन मेहता को विधानसभा पहुंचा दिया। फिर कहानी शुरू हो गई। विकास तो खूब हुआ, वो साफ आप देख सकते हैं। जब विधायक जी की खुद गाड़ी फंस गई तो कितना विकास हुआ है ये तो आप देख ही सकते हैं। पाँच सालों में बीते, चार साढ़े चार सालों में कभी नज़र नहीं आए। जब इलेक्शन आया तो वो खुद अपने कार्यकर्ता से मिलने आए, और मिलने आए तो जनता से नहीं मिले, कार्यकर्ता से मिले, क्योंकि अब तो इलेक्शन है। और जब वो गाड़ी खुद कीचड़ में फंस गई तो लोग उनका खूब चुस्की लिए, और लोगों का चुस्की लेना भी लाजमी है। लोगों का कहना है कि ये इनका पाँच सालों में, नीतीश कुमार का 15 सालों में किया गया विकास का नतीजा है। फिर उन्होंने ट्रैक्टर मंगवाया और नेताजी की गाड़ी ट्रैक्टर से खींच करके निकाली गई। यह है मधेपुरा का संपूर्ण विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, मधेपुरा।